Sometimes I feel I've got to. तो हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज जिसमें हम देखने वाले स्कॉडा एनयाक के बारे में। एक बेसिकली कूप एसयूवी है ऐसा स्कॉडा कह रहा है, लेकिन मेरे को ना मोर ओवर है सेडान जैसी लगी। सो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप भी कहेंगे थोड़ी बहुत सेडान से सिबलिंग मतलब मैच कर रही है, ठीक है। सो आज की वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में। और यार 10th ऑफ द मे तक 300 सब्सक्राइबर का एम था, जो पूरा तो शायद से नहीं होगा, अगर 280 290 होता तो चलेगा। सो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगेगा ठीक है सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट अच्छा लगेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी फ्रंट लुक से आपको टिपिकल स्कॉडा वाली लुक्स मिलती है इसमें, मतलब कुछ ज़्यादा ओवरडन नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। साइड प्रोफाइल भी आपको सिंपल है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा ओवरडन नहीं है, जैसे फ्रंट डोर हैंडल दे दिए, छोटे छोटे शीशे दे दिए या कैमरा दे दिया, सिंपल बैक टू बेसिक। और इसका है नियॉन कलर ना, मेरे को गाड़ी में पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है और अपीलिंग लगता है, थोड़ा बहुत गाड़ी को अलग ही प्रेजेंस देगा ये रोड में अगर ये आएगी तो, ठीक है, मतलब इंडिया में। बैक आपको पूरा जो बूट ओपनिंग है ना इसका स्कॉडा स्लाविया जैसा है, टेल लैंप भी स्लाविया जैसे है, आपको रेड कलर की पूरी पट्टी मिलती है नीचे की तरफ में, जो अच्छा लगता है, मतलब स्लाविया से इंस्पायर्ड भी है, ठीक है, कह सकते हैं इसे। साइड प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन मेरे को बेसिकली इसके एलॉयज बहुत ज़्यादा बेकार लगे, मतलब देखो कितने चीप लग रहे हैं। इंटीरियर इसका लैम्बॉक नहीं है, ठीक है, डुअल स्पोक स्टीयरिंग होना चाहिए था, नहीं दिया। स्पोर्ट सीट मिलती है आपको, पूरा ग्लास मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, मतलब पूरा ग्लास टाइप का आप पैनोरामिक कह सकते हैं, ओपन नहीं होगा बस। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सीट्स मिलती है आपको इसका RS वेरिएंट में, ठीक है। सो RS वेरिएंट का प्राइस तो अभी नहीं पता, जो इसका इंडियन करेंसी में प्राइस निकल के आता है, जो नॉर्मल इसका वेरिएंट है एंड IV करके, सो उसका प्राइस 35 से 40 लाख का है, जो अच्छी चीज़ है इस SUV के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ इसके स्पेक्स वगैरह से। सो अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर देना यार, यहाँ तक का देख लिया। सो एक्सेलरेशन 0-100 इसका 6.5 सेकंड का है, टॉप स्पीड 180 की है, रेंज इसकी 590 किलोमीटर्स की, जो अच्छी चीज़ है 35 से 40 लाख के दाम में। पावर 300 हॉर्स पावर है, टॉर्क इसमें 460 है, और ऑल व्हील ड्राइव में आने वाली है, फ्रंट रियर व्हील ड्राइव भी होगा लेकिन ऑल व्हील ड्राइव भी आपको। बैटरी कैपेसिटी इसकी 82.0 किलोवाट की रहने वाली है, सो ऐसा तो कुछ है इसमें बैटरी कैपेसिटी का सीन। सो बात कर लेना इसका थोड़ा बहुत उसकी लेंथ डायमेंशंस वगैरह की कितनी रहने वाली है। लेंथ इसकी 4653 mm की है, विड्थ इसकी 1879 mm की है, और जो इसकी हाइट है वो आपकी 1622 mm की। व्हील बेस इसमें आपको 2768 mm का मिलता है, जो इसका अनलेडन वेट है वो आपका 2250 किलो का है, जो काफ़ी अच्छा खासा वेट है, ठीक है। सो ऐसा सा कुछ आपको इसमें मिलता है, आपको 5 बंदे बिठाना ना आप बड़े आराम से बिठा दोगे, फिर भी कह रहा हूँ बॉडी टाइप इसमें आपको वही मिलती है SUV वाली, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। सो आपको रूफ रेल से आपको इसमें मिलते हैं, जो अच्छी चीज़ है। तो ये था आपके स्कॉडा एनयाक के बारे में, ये RS वाला वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका प्राइस मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो इसका नॉर्मल IV वेरिएंट है ना उसका प्राइस 35 से 40 लाख अगर ये इंडिया में आता है तो। सो ये था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, 10th ऑफ मे तक एम था, सो देखते हैं कितना होता है। सो टिल देन बाय बाय।